नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और शिवनेरी की विज्ञप्ति के अनुसार, जी हाँ, लोक नेता रामशेठ ठाकुर को करोना देवदूत पुरस्कार जाहिर हो गया है। जी हाँ, राज्यपाल यानी कि गवर्नर के हाथों से ये उनको सम्मान मिलेगा। करोना के इस वैश्विक महामारी च्या काळात नागरिकांना तन मन धनाने मदत करणारे रायगडचे माजी खासदार खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी शिवनेरीच्या वतीने करोना देवदूत पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे। राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी याच्या हस्ते येत्या बुधवारी दिनांक 14 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता मुंबईतील राजभवन येथे हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे। जी हाँ, और इनके साथ सम्मानीय अतिथि के जैसे उपस्थित रहने वाले लोग जो हैं वो रहेंगे राज्यपाल के, वो रहेंगे कृपा शंकर सिंह जी, जी हाँ, जो कि माजी गृह मंत्री भी रह चुके हैं, और इनके साथ कई लोगों को भी ये पुरस्कार मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जिनको और पुरस्कार मिलने वाला है, यही पुरस्कार, वो हैं डॉक्टर जगन्नाथ हेगड़े जी, डॉक्टर अमेय देसाई, प्रशांत करुड़कर और लीलाधर चौहान। इनको भी करोना देवदूत सम्मान से नवाजा जाएगा। जी हाँ, पुरस्कार सम्मानित करा जाएगा। और शिवनेरी मार्ग गणेश दर्शन स्पर्धे सहभागी होऊन गणेश उत्सवात रक्तदान शिविर आयोजित करण्यात व अत्यधिक रक्त संकलित करण्यात पहिला 3 गणेशोत्सव मंडळांना पारितोषिक वितरण केले जाणार आहे, अशी माहिती जो है वो शिवनेरी के संपादक नरेंद्र विश्वनाथ राव बाबड़े जी के द्वारा हमें मिली है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम रामशेठ ठाकुर जी जैसी हस्ती जो आज एक शिक्षा महर्षि हैं, जी हाँ, जो कि MP रह चुके हैं, जो कि जिन्होंने कि रायगढ़ के, जिनको कि रायगढ़ का भागी विधाता कहा जाता है, जी हाँ, हम उनके लिए इस सम्मान के लिए बहुत ही बहुत बधाई देते हैं। हमारी तरफ से, हमारी दर्शकों की तरफ से रामशेठ ठाकुर और बाकी के लोग जिनको कि ये करोना देवदूत अवार्ड मिल सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है राज्यपाल जी के हाथों से, हम उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आइए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।